हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अपनी रसोई। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पापड़ी आलू की चाट, जो कि बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो आप इस रेसिपी को होली पे ट्राई कर सकते हैं या फिर कभी भी छुट्टी में आप इसे बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 100 ग्राम मैदा लिया है, थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे, आधी छोटी चम्मच अजवाइन डालेंगे, मोइन के लिए 2 से 3 चम्मच हम यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डालेंगे। तो इन सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छा सा सख्त सा आटा गूंद लेना है हमें। तो बहुत सारी चाट की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे शेयर की है, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। और मेरा वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियो आप देख सकें, सारी रेसिपी को देख सकें। तो इसका आटा जो है बहुत ही सख्त सा गूंदना है, इसे चिकना नहीं करना है, थोड़ा सा रफ जैसा है इसके आटे को रखेंगे। इससे जो ये पापड़ी है काफ़ी खस्ता काफ़ी क्रिस्पी बनती है। तो ये देखिए इस तरीके का इसका आटा होना चाहिए। अगर आप पानी कम डाल के गूंदेंगे तो आटा इसी तरीके का होगा। तो हमें ऐसा ही आटा चाहिए, देखिए बिल्कुल भी चिकना नहीं है ना, तो ऐसा ही आटा हमें पापड़ी के लिए चाहिए। तो इसे हमने अच्छे से गूंद लिया है। अब क्या करना है कि इसकी छोटी छोटी सी लोइयां बना लेंगे। तो ये 100 ग्राम मैदा ही लिया है हमने, और इसी से मतलब 18 से 20 पापड़ी बन जाएगी। तो एकदम छोटी छोटी सी इस तरीके से हम लोई बना लेंगे, और उसके बाद हमें इसे बेल लेना है। आप चाहे तो मतलब एक बड़ी रोटी जैसा बेल के और किसी छोटे से कटर से आप उसे कुकी कटर से आप काट सकते हैं गोल गोल, नहीं तो ऐसे छोटी लोई बना के भी आप इसे बेल सकते हैं। तो बेलने के लिए आपको सूखा आटा या फिर ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से देखिए इस तरीके से आप इसे बेल पाएंगे। और बेलने के बाद हमें हर एक पूड़ी में मतलब होल करना, छेद करना है, ताकि ये जो पापड़ी है वो फूले नहीं। तो अलग अलग जब आप पूड़ियों में छेद करेंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 4-5 पूड़ियों को एक साथ रख के उसके बाद आप कांटा से उसमें छेद कर ले, देखिए इस तरीके से। और ये पूड़ियाँ आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी, आराम से ऐसे छेद कर लेंगे आप। और इस तरीके से छेद करने के बाद आप इसे अलग कर सकते हैं, या फिर जब फ्राई करेंगे उस टाइम भी अगर एक साथ भी डाल देंगे ना तो वहाँ पर अलग अलग हो जाती हैं, पर आप पहले से ही इसे अलग कर ले, देखिए आराम से निकल जाएगी, नहीं चिपकेगी। तो इसी तरीके से हम सारी पापड़ी को बेल के उस पर छेद कर लेंगे। तो आप इस पापड़ी को ना पहले से बना के रख सकते हैं, मतलब जिस दिन अगर होली है या फिर आपके घर कोई गेस्ट आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप उसी दिन पापड़ी बनाएं, आप पापड़ी को पहले से भी बना के रख सकते हैं। तो आपको बहुत ही आसानी होगी, झटपट से आप इस पापड़ी आलू चाट को बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे हमारे पापड़ी जो है बन के तैयार हो गए। चलिए अभी इन्हें फ्राई करते हैं। ऑयल हमने चढ़ा दिया गर्म होने के लिए, तो जब हल्का गर्म हो जाए तेल तभी हमें इन्हें डालना है फ्राई करने के लिए। और ये जो पूड़ियाँ हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं फूलेंगी एकदम, क्योंकि हमने उनमें छेद कर दिया है, तो ये फूलेंगी नहीं बल्कि क्रिस्पी क्रिस्पी होंगी। अगर आपको ऐसे ही पूड़ियाँ खानी है तो फिर हम लोग छेद नहीं करते तो फूली फूली सी पूड़ियाँ बनती है, पर जब आप उसमें होल कर देंगे तो फिर वो नहीं फूलेंगी। तो रखने के लिए इसी तरीके से हम बनाते हैं पापड़ी। तो ये देखिए बहुत ही इजी सी रेसिपी है। और इस पापड़ी को ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप चाट बना के खा सकते हैं, आप इन्हें शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं, काफ़ी खस्ता काफ़ी क्रिस्पी लगती है ये। तो ये देखिए गोल्डन हो गई है, अच्छे से फ्राई हो गई है। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे, और जब ये ठंडी हो जाए तो आप इन्हें एयर टाइट डब्बे में भर के रख ले, आप महीने भर खा सकते हैं इसे, ये ख़राब नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा ही बनाया है चाट बनाने के लिए। तो इसी तरीके से बाकी पापड़ी को भी हम फ्राई कर लेंगे, और मैं आपको दिखाती हूँ कि पापड़ी बहुत ही देखिए क्रिस्पी है और एकदम आराम से टूटी है, खस्ता भी है। तो चलिए इन्हें सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए हम एक प्लेट में इन पापड़ी को पहले अरेंज कर लेंगे इस तरीके से, उसके ऊपर से हम आलू डालेंगे, बॉयल आलू है जिन्हें हम छोटे टुकड़ों में हमने काट लिया है। ऊपर से डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे, साथ ही फेटी हुई दही डालेंगे, खूब सारा दही डालेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे हम हरी वाली तीखी वाली चटनी, धनिया की चटनी या फिर धनिया पुदीना की भी चटनी बना सकते हैं आप, इमली की खट्टी मीठी चटनी डालेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे मसाले, तो मसाले में काला नमक डालेंगे, साथ ही मिर्ची पाउडर डालेंगे, भुनी हुई जीरा का पाउडर डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे, जो कि हर एक चाट में ये मसाले डलते हैं। तो इन्हें डालने के बाद आप इसके ऊपर बारीक वाली सेव डाल सकते हैं, या फिर आपके पास कोई भी नमकीन है वो डाल दीजिए। तो इस तरीके से चाट को अपने हिसाब से सजा लीजिए, और ये बहुत ही चटपटी सी चाट बनके तैयार हो जाती है, बहुत ही झटपट से बन जाती है। मतलब अगर आपके पास पापड़ी बनी हुई है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत से बन जाती है। तो ये देखिए हमारा पापड़ी आलू चाट बनके तैयार है। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।